हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। बहुत दिनों बाद आज सबके बीच में आया हूँ फिर से एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें मैं आज आपको बताऊँगा कि जो हमारा डिस्टिलेशन कॉलम रहता है या नॉर्मल कोई ऑब्जर्वर कॉलम रहता है, तो उसमें क्या क्या ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आ सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू गैस फ्लोरेट एंड लिक्विड फ्लोरेट। अगर मान लीजिए गैस फ्लोरेट कम या ज़्यादा होता है, या लिक्विड फ्लोरेट कम या ज़्यादा होता है या वेरी होता है, तो उसके ट्रे एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एब्जॉर्बर की परफॉर्मेंस या कॉलम की परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसके बारे में दोस्तों आज हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ टेक्निकल मंत्रा में। कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है कि ये हमने एक कॉलम को दिखाया हुआ है। जैसा कि मैंने बात किया कि ऑपरेशनल डिफिकल्टीज के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन डिफिकल्टीज जो टेक्निकल टर्म्स में हम बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोनिंग, वीपिंग, एंट्रेनमेंट एंड फ्लडिंग। तो उसके बारे में वन बाई वन हम केस लेंगे। तो पहले एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से। ये हमारा एक कॉलम है जिसमें हमारा गैस इन हो रहा है बॉटम से, तो गैस का जो फ्लोरेट रहेगा वो रहेगा बॉटम टू टॉप। ये हमारा लिक्विड आ गया, लिक्विड आ रहा है टॉप से, तो लिक्विड का जो फ्लो हो गया कहाँ से हो गया, टॉप टू बॉटम। तो जैसे कि इसमें हो रहा है, जैसे हमने कि दिखाएंगे, हमने ट्रेस दिखाई हुई है, ये ट्रे वन है, ये ट्रे टू है, ये टी थ्री को ट्रे थ्री है, ये हमने प्लेट कॉलम लिया हुआ है जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसमें क्या है कि जैसे कि ये हमारा लिक्विड आ रहा है, सबसे पहले क्या होगा, लिक्विड एक्यूमुलेट होगा ट्रेस पर, धीरे धीरे ये हमारा ओवरफ्लो होगा, फिर नीचे आएगा। तो अब इसमें टेक्निकल टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा जो लिक्विड धीरे धीरे जब एक्यूमुलेट होता है, जब टॉप से आता है, तो ये वाली जो हाइट होती है इसको बोलते हैं वियर हाइट, जिस पर लिक्विड हमारा इकट्ठा होता है, और जिससे लिक्विड हमारा ओवरफ्लो होके जब हमारा नीचे की तरफ आता है इसको बोलते हैं डाउन गमर। इसको क्या बोलते हैं, डाउन गमर। और एक ट्रे से दूसरे ट्रे के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं ट्रे स्पेसिंग। जैसे कि सिंपल एक्सचेंजर्स में जो हम बेफल्स के बीच में जो डिस्टेंस रहती है उसको हम बेफल स्पेसिंग बोलते हैं, यहाँ पर हम ट्रे के बीच में स्पेसिंग को ट्रे स्पेसिंग बोलते हैं। तो ये हमारा वियर हाइट हो गया, ये डाउन कमर हो गया, दोनों के बीच में ट्रे की डिस्टेंस को ट्रे स्पेसिंग बोला। तो नीचे से क्या हुआ, ये हमारा गैस आया, गैस हमारा ट्रे से होते हुए ऊपर की तरफ गया, जैसे कि मैंने ऊपर ट्रे टू का शो किया हुआ है। यहाँ से हमारा गैस जा रहा है, ऊपर से हमारा लिक्विड हो रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई गैस लिक्विड कॉन्टेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा मास ट्रांसफर होगा, और गैस, ये हमारा जो लिक्विड फ्री गैस है ये ऊपर की तरफ जाती है, ये गैस आउटलेट टॉप से निकल गया। ये जनरल ओवरव्यू हो गया। अब जैसा कि मैंने बात किया कि ऑपरेशनल डिफिकल्टीज में हम सबसे पहले केस बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं कोनिंग। मैंने वर्ड बोला कोनिंग। कोनिंग में क्या रहता है कि हमारा जो गैस फ्लो रहता है, गैस फ्लो ज्यादा हो जाता है किससे, लिक्विड फ्लो से, इसको बोलते हैं कोनिंग। अब ये गैस फ्लो हमारा किसके वजह से ज्यादा हो सकता है, जैसे कि हमारा ये गैस आ रहा है पीछे से, मान लीजिए अब स्ट्रीम का प्रेशर बढ़ गया, पीछे से कोई प्रेशर बढ़ गया, या कोई पीछे से कोई कंट्रोल वाल्व माल फंक्शन कर गया, तो भी हमारा प्रेशर ऑल ऑफ सडन गैस फ्लो बढ़ जाएगा। मान लीजिए कोई दो हमारे कॉलम है पैरेलल में ऑपरेट हो रहे हैं, और किसी एक कॉलम की फीड ऑल ऑफ सडन कट हो जाती है, तो क्या होगा, उसका लोड भी सिंगल कॉलम पर आ जाएगा, तो ऑल ऑफ सडन गैस फ्लो जो सिंगल कॉलम के लिए गैस फ्लो डिजाइन है वो डबल हो जाएगा, तो उस केस में भी गैस वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे कि हमने बात की गैस फ्लो जिस कंडीशन में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो नॉर्मल ऑपरेशन में क्या हो रहा है, लिक्विड ऊपर से आ रहा है गैस नीचे से जा रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर जो वेपर वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी तो लिक्विड जो है ऊपर की तरफ कैरी होने लगेगा, ये गैस जो है लिक्विड को लेके ऊपर की तरफ जाने लगेगी, इसमें भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। तो फिर जब वेपर आउटलेट से जब हमारे ड्रॉपलेट्स निकलने लगेंगे तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंट्रेनमेंट। क्या बोलते हैं, इंट्रेनमेंट। तो इसमें क्या रहता है कि जो धीरे धीरे हमारा मास ट्रांसफर इफेक्ट होने लगता है, पुअर होने लगता है, बिकॉज जहां पर सेपरेशन एफिशिएंसी में क्या होता है, गैस स्टोरेज बढ़ा, तो धीरे धीरे जो सीरीज ऑफ रिएक्शन ये चलेगा, ये प्रोसेस चलेगा, तो इसमें क्या होगा, गैस के साथ साथ लिक्विड धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके बाहर निकलने लगेगा। जैसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा, सीरीज में चलता रहेगा, तो ये क्या करेगा, फ्लडिंग का रूप ले लेगा। फ्लडिंग में क्या होता है, फ्लडिंग की अगर मैं बात करूं
तो गैस वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से इतनी ज्यादा हो जाती है कि डाउन कमर से ही लिक्विड नीचे नहीं आ पाता। ये डाउन कमर है, इससे ही लिक्विड नीचे नहीं आ पाता है, मतलब ट्रे खाली चली जाती है, सूखी चली जाती है, ड्राई चली जाती है। तो वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होती है अगर हमारी एक्सेसिव फ्लडिंग होगी, मतलब कि पूरा का लिक्विड जो है ऊपर से ही निकल जा रहा है, तो ये हमारी सबसे ही खराब कंडीशन होती है ऑपरेशन के लिए। मैं तो एडवाइस करूंगा कि इस कंडीशन में ऑपरेशन को रोक देना चाहिए अगर हमारी एक्सेसिव फ्लडिंग हो रही है, यानी कि पूरा पूरा लिक्विड ऊपर से ही निकल जा रहा है गैस के साथ, तो वो सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, तो ये तो बात हो गई हमारी कोनिंग की, एंट्रेनमेंट की, फ्लडिंग की, और ये हमने बताया कि एंट्रेनमेंट की जो घटना है वो कंटिन्यूअस होती रहेगी तो वो फ्लडिंग को प्रमोट करेगी। तो हम एंट्रेनमेंट पे ही अगर हम रोक लगा लें, किसी तरीके से आइडेंटिफाई कर लें, या गैस फ्लो को लिक्विड फ्लो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें, तो हम फ्लडिंग से बच सकते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें। जैसे कि कॉलम है, तो भाई कॉलम की हाइट और वियर हाइट तो कांस्टेंट है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो मास ट्रांसफर इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? वो हम ऐसे बना सकते हैं, ये जो हमारी वियर हाइट है इसमें लिक्विड का एक्यूमुलेशन जितना ज्यादा रहेगा जितना अच्छा ही हमारा मास ट्रांसफर होगा। अब मान लीजिए हम वियर हाइट बढ़ा दी, अब हम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मैंने वियर हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी, तो क्या होगा? अगर हम इधर बना लें थोड़ा सा, मान लीजिए ये हम ये वाली हाइट पहले इतनी थी, ये हमने और बढ़ा दी, इतनी और बढ़ा दी, तो क्या होगा? लिक्विड का एक्यूमुलेशन इस ट्रे पे और पर्टिकुलर बढ़ जाएगा। तो अब जो उसका ड्रॉबैक क्या होगा, मास ट्रांसफर तो अच्छा हो गया, लेकिन जो हमारी गैस आ रही है नीचे से, तो इसको ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको पास करने के लिए, गैस में ज्यादा एनर्जी लगेगी, मास ट्रांसफर तो इफेक्टिव हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, ऑप्टिमम वियर हाइट लेनी होती है, जिससे हमारा इसकी एनर्जी लॉस भी ना हो। अगर एनर्जी लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली पीछे से हमको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी वियर हाइट लेते हैं जिससे हमारा मास ट्रांसफर ऑप्टिमम हो और हमारा जो है एफिशिएंसी भी ट्रे की मैक्सिमम है। और इसमें एक टर्म और रहता है जिसको कि बोलते हैं व्हीपिंग, व्हीपिंग में क्या रहता है, जब हमारा इसका उल्टा कर दो, गैस फ्लो लेस हो जाए लिक्विड फ्लो से, या उल्टा कह लीजिए लिक्विड फ्लो ज्यादा हो जाए गैस फ्लो से, उल्टा भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है, व्हीपिंग के केस में जैसा कि मैंने कहा कि गैस यहां पर भरा हुआ, अगर मान लीजिए गैस वेलोसिटी कम हो गई, अब गैस वेलोसिटी क्या, यहां पर पूरा लिक्विड होल्ड है और गैस वेलोसिटी कम हो गई, तो गैस वेलोसिटी कम होने की वजह से क्या होता है, बीच में बबल फॉर्म हो जाता है और बबल का साइज वो ज्यादा रहता है। नॉर्मल जब ऑपरेशन हम लोग करते हैं प्लांट लोड के अकॉर्डिंग गैस फ्लो और लिक्विड फ्लो रखते हैं, तो उसमें भी बबल बनते हैं, लेकिन वो बबल का साइज बहुत छोटा होता है, वो गैस लिक्विड कॉन्टेक्ट को इफेक्ट नहीं करता। इवन जब वियर हाइट मान लीजिए ट्रे थोड़ी खाली भी चल रही है, तो वो बबल्स उस स्पेस को भर देते हैं, तो वो उस समय काम आता है। तो इससे इस केस में क्या होता है, अगर हमारा गैस फ्लो बहुत कम हो गया, तो उस केस में हमारा अगर नॉर्मल ऑपरेशन है ऑल ऑफ सडन कम हो गया, तो बबल का जो साइज है जो बनेगा, जिसको कि फोम भी बोलते हैं, तो उस फोम के डेवलप होने से उसका साइज ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली वो गैस लिक्विड कॉन्टेक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, यानी कि वो कॉन्टेक्ट उतना अच्छा नहीं होगा, मास ट्रांसफर उतना अच्छा नहीं होगा। तो क्या होगा, तो इनके ट्रे के बीच में और कॉलम के बीच में धीरे 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 प्रेशर ड्रॉप बढ़ने लगेगा, जो प्रेशर ड्रॉप इंडिकेशन होता है बढ़ने का कि मास ट्रांसफर आपका पुअर होने लगा है। तो हमको क्या एक्शन लेना है, तुरंत हमको फ्लो को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंगली। अब इस कंडीशन में जैसे कि आपको इंडिकेशन मिल गया भाई प्रेशर ड्रॉप बढ़ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, भाई लिक्विड जो ऊपर से आ रहा है वो ट्रे पे इकट्ठा होने लगेगा। अब जो नॉर्मल पाथ होता है धीरे धीरे ये डाउन, ये ओवरफ्लो के नीचे आना चाहिए, लेकिन व्हीपिंग की कंडीशन में क्या होगा, लिक्विड डायरेक्ट नीचे गिरने लगेगा। जैसे सपोज ये होल बने हुए हैं, यहां से ही लिक्विड डायरेक्ट नीचे ऐसे गिरने लगेगा, इसको गिरना चाहिए ऐसे, लेकिन गिरने लगेगा डायरेक्ट, जिसको डायरेक्ट डंपिंग भी बोलते हैं, डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं, तो ये डायरेक्ट नीचे आने लगेगा। तो ये कंडीशन भी बहुत ही खराब हो जाती है, और प्रेशर ड्रॉप बढ़ने से इसमें भी फ्लडिंग के चांस बन जाते हैं। तो दोनों ही केस में देखा जाए तो कोनिंग की कंडीशन भी बड़ी ही क्रिटिकल है, व्हीपिंग की कंडीशन भी बड़ी क्रिटिकल है, इन दोनों को ही हमको
कॉलम को अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं, इनकी वजह से प्लांट शटडाउन भी हो जाता है अगर हमने टाइमली कंट्रोल नहीं किया, तो हमको करना क्या है, हमको प्लांट लोड के अकॉर्डिंग गैस फ्लो के हिसाब से लिक्विड फ्लो भी एडजस्ट करना है। यानी कि कोई चीज घट बढ़ रही है, हम दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। प्लांट लोड, गैस फ्लो, लिक्विड फ्लो, इनको एकदम सिंक्रोनाइज वे में, इसका एक चार्ट रहता है, वैसे ही अगर हम मेंटेन करेंगे तो हम इन घटनाओं से बच सकेंगे, एंटेनमेंट से, फ्लडिंग से, और प्लांट ऑपरेशन भी बहुत इफेक्टिवली रन कर सकेंगे। तो दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि कोनिंग का इफेक्ट भी जब होता है, जब गैस फ्लो जाता है, तो एक इंडिकेशन और रहता है कि उस पर्टिकुलर ट्रे का, जहां भी कोनिंग इफेक्ट आएगा धीरे धीरे, तो उस पर्टिकुलर ट्रे का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर गैस जो है लिक्विड को तो कैरी ओवर कर लेता है, फिर क्या होता है कि उस ट्रे का टेम्परेचर ड्राई होने की वजह से बढ़ने लगता है, तो वो भी एक इंडिकेशन होता है। तो ये सब चीजें दोस्तों आज जो मैंने आपसे डिस्कस की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूकमर के लिए भी और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए भी। तो दोस्तों आगे भी आज मैंने टॉपिक ये लिया है, आगे भी और अच्छे अच्छे टॉपिक लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि गैस ट्रीटिंग यूनिट में एब्जॉर्बर कॉलम कैसे काम करता है, कैसे हम CO2 स्लिप्स जो होती है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, इमरजेंसी हैंडलिंग कैसे करते हैं एब्जॉर्बर कॉलम में, उसके ट्रिप सेफ्टी इंटरलॉक पे काम कैसे करेंगे, इन सब के बारे में भी मैं आगे डिटेल से डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ आगे भी। अभी मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।